नमस्कार। आज प्रस्तुत है हिंदी गद्य की क्यारी का नया पुष्प नमस्तस्य नमो नमः। हमारे देश में प्रतिवर्ष चैत्र तथा आश्विन मासों के शुक्ल पक्ष में दुर्गा की उपासना की जाती है। ये आराधना नवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध है। चैत्र की नवरात्रि को वासंती और आश्विन की नवरात्रि को शारदीय कहा जाता है। जिस दिन चैत्र की नवरात्रि आरंभ होती है उसी दिन विक्रमी संवत का नया वर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र की नवरात्रि का समापन दिवस भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी होता है। ऋतु संधि के ये 9 दिन साधना अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जगत के कारण जिज्ञासु साधक जब तर्क एवं विमर्श द्वारा किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके तब उन्होंने ध्यान योग का आश्रय लिया और ये अनुभव किया कि सृष्टि का मूल प्रकृति है सत रज तम के रूप में यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त। यह प्रकृति ही अखिल ब्रह्मांड के विकास का कारण है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। जिस प्रकार अग्नि की व्यक्त दशा में उसकी दाहिका शक्ति एकाकार होने के बावजूद अलग महसूस होती है उसी प्रकार सृष्टि दशा में प्रकृति सृष्टा से अभिन्न होते हुए भी भिन्न प्रतीत होती है। देवी भागवत में ब्रह्मा के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवती कहती हैं कि सदेकत्वम न भेदोस्ति सर्वदेव ममास्य च यो सौ साहमसम यो सौ भेदोस्ति मति विभ्रमात्। इस प्रकार अवगत होने के लिए दुस्तर होने के कारण दुर्गा कहलाने वाली भगवती ही जीव को मोहग्रस्त कर जन्म मरण के बंधन में बांधती हैं और वही उसे समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त भी कराती हैं। कहते हैं कि वही विद्या है वही अविद्या है वही ऐश्वर्य देती हैं और वही मोक्ष प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती में उन्हीं की शरण में जाकर राजा सुरथ को भौतिक अभीष्ट प्राप्त हुए तथा समाधि नामक वैश्य को आध्यात्मिक सिद्धि उपलब्ध हुई। इति दत्त्वा तयोर देवी यथाभिलषितं वरम् बभूवान्तरहिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। भगवती संसार में रमने वालों और मोक्ष की कामना करने वालों के प्रति सम्यक रूप से दयालु हैं। अर्थात साधक अनुरक्त हो अथवा विरक्त वो दोनों ही स्थितियों में वरदायी हैं। जो माया के खिलौनों से खेलना चाहते हैं भगवती उनके खेल में आने वाली बाधाओं को हटाती है और जो भगवती की गोद में ही खेलने की अभिलाषा रखते हैं वो उन्हें भी निराश नहीं करती। यही कारण है कि भक्तजन उनका पूजन करते करते कहते हैं देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद प्रसिद मातर जगतो खिलस्य प्रसिद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस। जगत जननी की निस्वार्थ वत्सलता अपने भक्तों की करुण पुकार की उपेक्षा नहीं करती। माता को पुकारने के लिए भक्तों में उनके अनेक नाम प्रचलित हैं पर भक्ति में नाम से अधिक भाव प्रधान होता है। इसी विश्वास के सहारे जीवन की विसंगतियों से जूझते हुए आस्तिक अपने संकटों के निवारण के लिए अनुष्ठान पूर्वक भगवती का पूजन करते हैं। उनके संकल्प में दिनचर्या को अशांत करने वाले बाहरी शत्रुओं पर विजय पाने की कामना के साथ मन को विचलित करने वाली भीतरी वृत्तियों को पराजित करने की आकांक्षा समन्वित होने पर ही आत्मशक्ति का सही विकास संभव है। अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए विविध प्रकार की शक्तियों के अर्जन से ही व्यक्ति परिवार समाज और राष्ट्र का उन्नयन होता है। या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अलविदा मित्रों, कृपया चैनल सब्सक्राइब करके पुराने और नए वीडियोस का आनंद लें। धन्यवाद।